हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुबई वाली फैमिली। तो भाई सब सीन ऐसा है, ये दाल इंडिया से आई है। शो मी योर अनारकली डांस। ये भाई बता रहा है जो भी फ्रूट इसकी दुकान पे हैं पूरे यूवी के लोकल फ्रूट्स हैं, सारे फ्रूट्स यहीं डिब्बा में होते हैं। कैसा लग रहा है? मिठा है ये भी, यहाँ का लोकल है ना, ये लोकल है यहाँ का खरबूजा। कैसा है? टेस्टी है, टेस्टी है। आइटम ये आम भी देखो, दुबई में यूएई में डिब्बा में होते हैं आम। कितने? 25 रुपए किलो है, 500 रुपए किलो। रोड का डिजाइन और स्टाइल ऐसा है कि पहाड़ों के बीच में भी आप 140 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं। मैं देखो 140 की स्पीड पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और ये रोड देखो आप, क्या शानदार रोड है। यहाँ से एक रास्ता वादी शीश में जाता है नीचे की तरफ, और ये एक और रास्ता है जो खोर फक्कान सिटी की तरफ जा रहा है। तो हम खोर फक्कान जा रहे हैं, जो कि नया वाला वाटरफॉल बना है उसको देखने जा रहे हैं, और ये टनल बहुत लंबी होने वाली है भाई साहब। 4 किलोमीटर लंबी टनल है, यूएई की सबसे लंबी टनल। क्या डर लग रहा है आपको? डर तो लग रहा है हमें, डर तो लग रहा है आपको? आर यू स्केर्ड? लंबी टनल है। सो क्या कर रहे तू? इट्स फन। ओके, ओह माय गॉड, दिस इज द वाटरफॉल। ऑसम, इज सो ह्यूज मैन, इज ह्यूज। वाओ, रियली नाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुबई वाली फैमिली। और आज दुबई वाली फैमिली आई हुई है खोर फक्कान में, शारजा का जो नया एमपी थिएटर बनाया है, रोमन थिएटर बनाया है, वहाँ पर उसको देखने के लिए, और जो न्यू इन्होंने वाटरफॉल बनाया उसको देखने के लिए। और एमपी थिएटर का फर्स्ट लुक कुछ ऐसा है, इसको रोमन थिएटर भी बोलते हैं, खोर फक्कान एमपी थिएटर वहाँ लिखा हुआ है। सो वेरी ह्यूज, बहुत शानदार ये बिल्डिंग बनाई है रोमन स्टाइल में। कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ जी, वेरी ब्यूटीफुल है, वेरी गुड। अरे तो कमाल, लाइक कतर। हाँ, कतर में भी इसी कतारा विलेज में थी ऐसी एक। वाह, वेरी नाइस, क्या बात है, अमेजिंग। सो ऐसा कुछ है ये एमपी थिएटर का स्टेज, और इधर शायद ऊपर जाने के लिए ब्लॉक किया हुआ है अभी, स्टेज है परफॉर्मेंस के लिए। ओके, यू कैन परफॉर्म योर डांस हियर। हाँ, शो मी योर डांस मूव, दिस इज द परफॉर्मेंस स्टेज, कैन यू परफॉर्म समथिंग फॉर अस? शो मी योर अनारकली डांस। और ये है मेन अट्रैक्शन जिसको देखने हम यहाँ पर आए हैं। वैसे तो ये दिसंबर में ओपन हो चुका था, दिसंबर 2020 में, पर अभी फरवरी में हम इसको देखने आए हैं। अभी बहुत लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। देखो तो कैसा आपका फर्स्ट इम्प्रेशन वाटरफॉल का? सुपर ह्यूज, सुपर ह्यूज। किस स्पीड से गिर रहा है पानी? पानी की छींटे लोगों के ऊपर आ रहे हैं ना, उससे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। व्हाट, वेरी गुड, वेरी गुड। ठंडा ठंडा पानी ऊपर से गिर रहा है आके, और भी मज़ा आ रहा है इसको, पानी की छींटे जो ऊपर गिर रही है आगे इससे। पानी के छींटे गिर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा ना, ठंडा। हेयर आ रहा है, पानी के छींटे गिर रहे हैं आपके ऊपर। वाह, छींटे गिर रहे हैं पानी के। मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखो दुबई में क्या बनाया उन्होंने, मैन मेड है ये, नेचुरल नहीं है, मैन मेड बनाया है। हाँ, बर्फ जैसा लग रहा है पानी, बिल्कुल बर्फ जैसा लग रहा है, बर्फ गिर रही हो। अभी देखते हैं ऊपर जाने का, वहाँ पर ऊपर एक रेस्टोरेंट है, अगर रेस्टोरेंट है वहाँ से देखने का व्यू पॉइंट है एक, अगर वहाँ जाने का मौका मिल जाए ट्राई करते हैं। क्यों, फ्राइडे का दिन है, पब्लिक तो पूरा मस्त मजे कर रही है। झरना देखो, क्या मस्त सीन है झरने का, रियली ऑसम। हाँ जी, कैसा था?
अच्छा था, अच्छा बहुत ठंडा। यहाँ के थोड़ी गर्मी लग रही है ना, झरने से बाहर निकल गर्मी लग रही है। सो भाई साहब, उस बंदे ने अभी सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि अंदर यहाँ पे रोमन थिएटर जो पीछे है उसमें लिफ्ट है जो डायरेक्ट झरने तक जाती है ऊपर, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। पर अभी क्या है कि फिलहाल वो रेस्टोरेंट में रिनोवेशन हो रही है और शायद 2 महीने के लिए रेस्टोरेंट बंद है। तो फिर कभी दोबारा आएंगे तो वो लिफ्ट यूज़ करके ऊपर जाएंगे और वहाँ से जो अलग ही नज़ारा दिखेगा वो हम अभी अगले ट्रिप किसी वीडियो में कवर करेंगे। सो भाई साहब, यहाँ पे जगह मिली है पार्क में झरने के सामने, यहाँ पे आके डेरा जमाया है कुर्सियाँ वर्सियाँ लगा के। ऋतु, ऊपर मौसम देखो क्या शानदार हो रहा है ना, लगता है बारिश होने वाली है क्या। पहाड़ों में ऊपर देखो क्या औसम व्यू आ रहा है, यहाँ से बैठ के धूप आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वेरी नाइस। सो ये पार्क, वो उधर फाउंटेन है जो झरना जो बनाया नया वाला मैनमेड जो नया झरना बना है जिसको देखने आए थे, उसके सामने ये एरिया है, पार्क का एरिया है। और वहाँ पर बीच स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के लिए भी बहुत सारी, यहाँ पर वो देखो कुछ लोग ऑलरेडी मज़े ले रहे हैं बोट्स में, और इधर बच्चों के खेलने की जगह है। तो ऑसम ये प्लेस हमको मिला है बैठ के पिकनिक करने के लिए, बच्चों के खेलने के झूले हैं और भी बहुत सारी यहाँ पर अमेजिंग टाइम स्पेंड करने के लिए दूर तक लोग बैठे हुए हैं। और तब तक हम बैठ के अपना लंच करते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और ही बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। ये घर की इंडिया वाली दाल कहाँ है, मेरी दाल दाल कहाँ है भाई साहब? इंडिया के चावल है, इंडिया के चावल हैं। देखो मम्मी ने चावल लेके आए हैं और इंडिया की दाल चावल बनाई है आज। अरे वाह, ओपन खुल जा सिम सिम। अरे वाह, इंडिया की दाल, क्या बात है, कलर से ही देख के पता लग रहा है। ये दाल इंडिया में हमने जो लगाई थी वही है ना, ये कितने साल, 4 साल पुरानी है? 4 साल पुरानी, 4 साल पुरानी दाल, देखो घर के खेत की दाल मम्मी लेके आए इंडिया से। तो भाई साहब सीन ऐसा है, ये दाल इंडिया से आई है और 4-5 साल पहले हमने फार्म में लगाई थी, और वो दाल अब इंडिया की दाल दुबई में बना के मम्मी ने बनाई है और आज यहाँ पे खाने को मिल रही है। और भाई साहब टेस्ट ऐसा आ रहा है जैसे गुरुद्वारे में मिलती है ना दाल लंगर में, वैसा औसम औसम टेस्ट आ रहा है। तो ये अपने अपनी किस्मत की बात देख लो, 4 साल पहले इंडिया में बनी हुई दाल उगाई थी दाल वहाँ पे, दुबई में आई है और यहाँ मम्मी ने बनाई है और मुझे खाने को मिल रही है, आज का तो मज़ा आ गया। सो भाई साहब खाना खा के अभी बीच साइड में आए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और ऑसम यहाँ से व्यू आ रहा है। क्यों, कैसा नज़ारा आ रहा है यहाँ से? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है, ठंडा कूल कूल पहाड़, एक समुंदर और ठंडी ठंडी हवा है। शाम होने वाली है ना, वो बादल पूरे नीचे आ रहे जैसे बरसात वाला मौसम हो गया है ना। हाँ। और भी मजा आ गया, बहुत मजा आ रहा है, बरसात होने वाली है, और भी अच्छा लग रहा है ना। हाँ, बीच का नजारा, जैसे मुंबई में है ना पत्थर लगे मरीन ड्राइव पे है ना, ऐसे नज़ारा आ रहा है ना, देखो मुंबई वाला नज़ारा दुबई में मिल रहा है, मुंबई के मरीन ड्राइव का। और ये बड़ी बड़ी लहरें हिंद महासागर की। जाना कहीं और ऋतु? मजा तो भाई यहीं आ रहा है, अगर इससे ज़्यादा अच्छी कोई जगह है तो चलते हैं। देखो सैंडी बीच है, नॉर्मल नेचुरल बीच है, और ये जो नज़ारा, ये बादलों का जो नज़ारा आ रहा है तो वहाँ से भी दिखेगा, 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से, और वहाँ पे बॉनफायर कर सकते हैं और अपना चिल आउट कर सकते हैं। जाना है तो चलते हैं फिर वहाँ पे, यहाँ का तो चलें आगे फिर चलते हैं देखो है। चलो फिर। सो भाई साहब सीन ऐसा है, अब हम लोग आ चुके हैं सैंडी बीच पे, इसको अलग का बीच भी कहते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमने अपना सेटअप बना लिया है और ऋतु रानी बड़ी सियानी चटाई भी जाके बैठ चुकी है, मम्मी डैडी आराम से चेयर पे बैठे हैं, बेर खा रहे हैं और मौसम बहुत शानदार हो रहा है। बेर हमने रास्ते में से ले लिए थे और ये लोकल यूएई के बेर हैं। तो नज़ारा देखो, नेचुरल बीच है, सैंडी बीच भी बोलते हैं, और बच्चे ऑलरेडी मजे कर रहे हैं। आरव, यू लाइक दिस बीच? या रियली गुड, या एंड वी आर लीविंग दिस हाउस। सो बहुत सारी पब्लिक यहाँ बैठी हुई है, सबने अपने टेंट बनाए हुए हैं अपने, यहाँ पे लोग नाइट स्पेंड भी करते हैं, रात को यहीं पे रहते हैं। और ऊपर देखो नज़ारा एकदम जैसे बरसात होने वाली है, बादल नीचे आए हुए हैं, और इधर देखो दूर दूर तक लोगों ने अपने अपने टेंट लगाए हुए हैं। तो हम यहाँ पर बैठेंगे, अरे तो, और ये लकड़ियाँ हम ले आए थे, नाइट स्पेंड करने का मन कर रहा है, पर बॉन फायर टेंट हम लेके नहीं आए क्योंकि हमारा इरादा नहीं था यहाँ पर रात को रुकने का। बट ये कि अब हम बॉन फायर करेंगे, इन्जॉय करेंगे मौसम का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल का बटन दबा देना। हाँ, कह रही तू
थैंक यू. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. Enjoy the bonfire, Mata Shri. Enjoying the bonfire. Sandy Beach, Dubai. Wallah, Habibi, Wallah. Good night.